तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट बजट स्मार्टफोन अंडर 8000, जहां पर आपको 8000 के अंदर 5G डिवाइस मिल जाएगा, उसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 33 वाट की चार्जर भी मिलेगा और दोस्तों 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा। और दोस्तों ये सब कुछ मिलने वाला सिर्फ 8000 के अंदर। तो दोस्तों आप अगर ढूंढ रहे हो 8000 के अंदर बेस्ट एक मोबाइल, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाले। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है टेक्नो के न्यूली लॉन्च डिवाइस टेक्नो पॉप 8। इस स्मार्टफोन में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। तो फीचर के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा और प्लास्टिक बैग भी होगा। बैग का आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एक LED लाइट के साथ। जो कैमरा मॉडल है कम्प्लीटली आईफोन जैसा मिलेगा, जो काफी यूनिक और काफी अच्छी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैक पैनल पे एक डिजाइन मिलेगा स्क्वायर बॉक्स जैसा, जो काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। पर्सनल में जो व्हाइट कलर है वो फेवरेट है, व्हाइट कलर में ये डिवाइस काफी अच्छे लग रहा है। वहीं पे बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 5 इंच डिस्प्ले मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों उसके साथ आपको 0.08 मेगापिक्सल का एक AI लेंस भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस डिवाइस पे फोन और बैग दोनों जगह पे आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा, जो भी एक यूनिक बात है। और बात किया जाए परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T606 एक चिपसेट, जो 4G है, मतलब ये डिवाइस 4G होने वाला है। वहीं पे आपको 4GB रैम 64GB रोम मिल जाएगा, रैम को आप 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हो वर्चुअल रैम पे। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पे रन होने वाला है, जो गो एडिशन होगा। बात किया जाए बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 10W चार्जिंग। और सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों यहाँ आपको टाइप सी चार्जिंग मिलने वाला है। इस डिवाइस के आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा व्हाइट और सेकंड होगा ब्लैक। तो मुझे तो पर्सनली व्हाइट कलर काफी प्यारा और काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों 4GB प्लस 64GB वाला जो वेरिएंट है, उसकी प्राइस अभी करंट टाइम में 6500 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 की डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 6000 आ जाता है। तो अंडर 6000 में लुकिंग वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा और दमदार सा एक डिवाइस है, तो आप इसे जरूर ले सकते हो इस प्राइस पॉइंट। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है इनफिनिक्स के न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स स्मार्ट 8। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है, एक एक करके जान लेते हैं। 29,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे रेटिंग दिया, मतलब खरीदा है उससे भी ज्यादा लोगों ने। खरीदने का एक ही वजह है, एक इसकी परफॉर्मेंस और एक है इसकी लुक। यहाँ पे आपको मिलने वाले कम्प्लीटली आईफोन जैसा बैग। हाँ दोस्तों, कैमरा सेटअप कम्प्लीटली आईफोन जैसा ही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, एक तो ग्लास फिनिश पे और दूसरा है लेदर फिनिश पे। इस प्राइस पॉइंट पे जो लुक है काफी तगड़ी है। तो दोस्तों जो फीचर है ना वो भी काफी सही है, तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जब आपको 90Hz की सपोर्ट दिया गया है। हाँ दोस्तों, 90Hz रिफ्रेश रेट, जो काफी स्मूथ बना देता है डिस्प्ले के। वही भी बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek G37 प्रोसेसर, जो प्राइस के हिसाब से काफी सही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 8GB का रैम और 128GB का रोम। और दोस्तों वहीं पे बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक AI लेंस भी मिल जाएगा वहीं पे। और दोस्तों वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा 5000mAh का लार्ज बैटरी और 10W चार्जर। और दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे जो 4GB 64GB वेरिएंट है, उसकी प्राइस 7500 है, और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस है यहाँ पे 8300। तो दोस्तों जो 8300 है, यही सबसे ज्यादा सेल हुआ है फ्लिपकार्ट पे। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा 500-600 ज्यादा देकर आप जरूर इस मोबाइल को ले सकते हो।
तो दोस्तों डिवाइस की नाम है इनफिनिक्स नोट 12i। ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 10,000 था, पर अभी ज्यादातर टाइम ये अंडर 7,000 ही रहता है। यहाँ पे आपको 1,000 या फिर 2,000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है, जो सिर्फ इन्फिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट विथ 1000 पीक ब्राइटनेस के साथ। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस डिस्प्ले पे। और दोस्तों वही भी बात करें इसकी कैमरा की, तो इसकी कैमरा भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा, और उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 2K तक वीडियो को शूट कर सकते हो। और वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 2K पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, अंडर 7000 पे कोई भी डिवाइस पे आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डिवाइस में आपको प्रोवाइड किया गया है। पर्सनली ये मोबाइल मेरा फेवरेट है फीचर की वजह से। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4GB रैम एंड 64GB रोम। वही पे बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलेगा, जो बजट के हिसाब से काफी शानदार सा प्रोसेसर है। और दोस्तों बात करें इसकी नॉर्मल प्राइस की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी नॉर्मल प्राइस 8,499 रुपीस है, पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे 1,600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी प्राइस 6,890 रुपीस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है, ठीक है। तो आपको अगर एक 4G डिवाइस चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसके साथ जा सकते। तो दोस्तों इस लिस्ट के आखिरी डिवाइस आते हैं लावा की तरफ से, लावा ब्लेज 5G। तो दोस्तों आपको अगर 8000 के अंदर एक 5G डिवाइस चाहिए, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। नॉर्मल टाइम पे इसकी प्राइस 9000 के आसपास रहता है, पर कोई भी सेल पे यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो 8000 के अंदर एक 5G डिवाइस काफी अच्छी है। तो क्या कुछ इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है, एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है, और जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदर फीचर की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंचेस का HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 MP का मिलेगा, और सेकेंड कैमरा 2 MP का मैक्रो मिलेगा, और उसके साथ साथ 0.3 MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो आपको मिलने वाला 8 MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको मिलने वाला 2.2 GHz की मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। आदर्श कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें, तो इस मोबाइल से आप यूट्यूब को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है पोको की तरफ से, पोको M4 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कैमरा मॉडल के आसपास आपको ब्लैक कलर की एरिया देखने को मिलेगा, जैसे हर पोको की डिवाइस पे मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पोको की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। वही पे इस डिवाइस की वेट 200 ग्राम होने वाले, डिवाइस थोड़ा सा हैवी होगा। डिवाइस की फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बैक भी प्लास्टिक का होने वाला है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। वही पे बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो काफी अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाले 90Hz के रिफ्रेश रेट, और दोस्तों 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। और दोस्तों इस डिस्प्ले पे आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है।
डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसकी कैमरा भी काफी अच्छा है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080x30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और फोटो की क्वालिटी डिसाइड है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7005G चिपसेट, जो 7nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। तो दोस्तों डिवाइस 5G होने वाला है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 7 5G बैंड भी देखने को मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 ब्रांड मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 128GB। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और एक इस डिवाइस की काफी अच्छी बात है, ये डिवाइस आने वाले IP52 की रेटिंग के साथ, जिसकी मदद से ये डिवाइस वाटर और डस्ट प्रूफ भी होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 4GB+64GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस करंट टाइम पे 8999 मतलब 9000 है। पर यहाँ पे आपको कोई भी सेल आता है तो 500 या फिर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 8000 या फिर 8500 तक आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। डिवाइस थोड़ा सा पुराना है, पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी भी काफी अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर है, तो आप जरूर ले सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।